फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्या पढ़ रहे हैं अपन? फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. आंसर का नाम प्लांस फ्री हो, प्लांस फ्री हो, प्लांस फ्री हो. हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में. दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2. जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. आज का आंसर है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे. दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे. नए पुराने वीडियोस से आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं. जरूर इन वीडियोस को देखिए और प्लेलिस्ट सेक्शन पर अपना प्यार बरकरार रखिए, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे. चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों जब बात करते हैं हम मार्केट की, तो याद रखिए पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था दैट मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ प्लेस. हमें लगता है अंबाड़ी रोड मार्केट, दीनदयाल नगर मार्केट, हमें लगता है यार मंडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, लेकिन मार्केट आम भाषा में भले एक जगह हो, लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक में इकोनॉमिक्स डिफरेंस अगर हम इसका देखें तो इट इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट इज एन अरेंजमेंट. अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट. एक ऐसा रीजन है जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं, एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. दोस्तों इसीलिए इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट की परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है. यस जनरली इट माइट बी इंक्लूडेड एज अ लोकैलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस्ड, बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कम इन कॉन्टैक्ट, और इस अरेंजमेंट के जरिए ही व्यापार जो है वो बढ़ता है. दोस्तों अगस्टिन कॉर्नॉट की बात करें तो ये हमारे एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, और अगस्टिन कॉर्नॉट ने बहुत बढ़िया बात कही. इन्होंने कहा कि मार्केट एक प्लेस है जहां पर होल ऑफ अ रीजन which buyers and sellers are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly. यानी मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर आसानी से सिमिलर चीजों के भाव एक जैसे होते हैं. एक मोबाइल फोन अगर एक दुकान में बिक रहा है, पांचवी दुकान में भी बिक रहा हो, छठी दुकान में भी बिक रहा हो, एक साथ 10-15 दुकानें हो, तो उस मोबाइल फोन का दाम अनुमान जो है वो सिमिलर होगा, इक्वल ही होगा. ज्यादा 400-500 रुपए का फर्क हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, तो टेन टू बी इक्वल इजिली. ये बात अगस्टिन कॉर्नॉट की. और इसी से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन जो है मार्केट के देखने मिलते हैं. हालांकि आपको समझ में आना चाहिए कि एक मार्केट तब बनता है जब देर आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इट. एक बायर और एक सेलर का होना बहुत जरूरी है, एक प्रोडक्ट का और सर्विस का जरूरी होना, उसका एक भाव होना चाहिए, फ्री में लेन देन नहीं कर रहे, एक प्राइस पर्टिकुलर होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ दोस्तों क्लोज कॉन्टैक्ट आए बायर्स और सेलर्स का और उन दोनों को नॉलेज हो मार्केट का, तभी ये एक मार्केट कहलाया जाएगा. दीज 5 थिंग्स आर द एसेंशियल्स ऑफ अ मार्केट. ये 5 चीजें जहां पर होती हैं वहां पर मार्केट बनता है. दोस्तों याद रखिए कि जब क्लासिफिकेशन होता है मार्केट का तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. हमने पिछले वीडियो के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस और टाइम पढ़ लिया. आज से हम जो पढ़ने वाले हैं वीडियोस के माध्यम से वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, और आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन को. ये एक आइडियल और इमेजिनरी फॉर्म है मार्केट का. चलिए आज हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन को बारीकी समझते हैं. इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शॉर्ट कोड्स और ट्रिक्स के साथ हम आसानी से यह आंसर दिमाग में फिट करने वाले, तो जरूर बने रहिएगा वीडियो पे. जी हां, मैं जैसा कि आपको बता रहा था दोस्तों, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन. यहां पर इम्परफेक्ट में आपको कुछ और क्लासिफिकेशन मिलते हैं, जैसे कि मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. जी हां, ये 3 प्रकार जो हैं इम्परफेक्ट टाइप के कंपटीशन में आते हैं. चलिए आज सबसे पहले नजर डालते हैं परफेक्ट कंपटीशन पर. क्या है खास परफेक्ट और इम्परफेक्ट में? तो याद रखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है वो आइडियल है मगर इमेजिनरी है. आइडियल है मगर इमेजिनरी, यानी अच्छा है, यहां सब कुछ परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा मार्केट है बायर के लिए भी सेलर के लिए भी, लेकिन ये काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है. बात करें दोस्तों इम्परफेक्ट मार्केट की, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, तो यहां पर इट हैज सम फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट. बाकी इसमें कॉम्पिटिटिव मार्केट जैसा कुछ नहीं होता, कई सेलर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राइजेस होते हैं. जो आजकल का मॉडर्न डे मार्केट है, हमारे आसपास जो हम मार्केट आजकल देखते हैं, वो भी इम्परफेक्ट मार्केट ही हमें नजर आते हैं. दोस्तों चलिए आज हमारे जो मेन विषय है उस पर आते हैं. हमारा विषय है आज का परफेक्ट कंपटीशन, लेट अस क्रैक इट. जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं
मैं आपको बता दूं व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन। इस चीज के लिए जब भी ये क्वेश्चन आंसर में आए एक इंट्रोडक्शन लिखिए और इस इंट्रोडक्शन के जरिए ही आप सारे पॉइंट्स का आंसर आसानी से लिख पाएंगे। याद रखिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, बायर के लिए भी सेलर के लिए भी सब कुछ परफेक्ट है। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर कोई टेंशन नहीं है, सरकारी इंटरफेरेंस नहीं है। यहां पर दोस्तों जाने अनजाने में भी आपको अपने मर्जी के हिसाब से काम करना है और इसीलिए सब कुछ परफेक्ट है। यहां पर सभी दुकानदार का धंधा जो है वो अच्छा चल रहा है, किसी को मंदी का फेस नहीं करना पड़ रहा है। यहां पर ग्राहकों को भी समाधान मिलता है क्योंकि कहीं ज्यादा और कहीं कम भाव नहीं है, सभी के पास इक्वल और सेम प्राइस पे, सिंगल प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इसीलिए बायर जहां खुश सेलर जहां खुश वो मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जी हां दोस्तों, मीनिंग और डेफिनेशन की बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल यानी अच्छा और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितना अच्छाई इसके अंदर है उतना वास्तविकता में अच्छाई होता ही नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सरकार के साथ जुड़ना ही है, उन्हें टैक्सेस पे करने ही है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही है, हालांकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं है। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज रादर एन एक्चुअल मार्केट। अकॉर्डिंग टू मिस जॉन रॉबिन्सन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलती है जॉन रॉबिन्सन, क्या बोलते हैं? तो भाई याद रखिए, जॉन रॉबिन्सन कहते हैं कि ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलती हो? परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या है इसका, कि हर एक का प्रोडक्ट बिकता है, किसी की भी डिमांड कम नहीं होती, हर एक का प्रोडक्ट बिकता है। ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ही है दोस्तों, जहां पर बायर भी खुश है, जहां सेलर भी खुश है, ये सब कुछ परफेक्ट वाला मार्केट है दोस्तों। और इसीलिए रॉबिन्सन भी कहते हैं यहां पर डिमांड कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक है दोस्तों। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज द वन इन विच द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज वेरी लार्ज। बायर भी बहुत सारे, सेलर भी बहुत सारे, बायर भी बहुत सारे, सेलर भी बहुत सारे, तो किसी का धंधा मंदा होगा ही नहीं ना। ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। काल्पनिक बात है दोस्तों, सब एक ही चीज ले रहे हैं या बेच रहे हैं, बेचने वालों की दुकानों पे भी सबकी एक ही टाइप की दुकानें हैं और खरीदने वाले भी वही सामान खरीदने आ रहे हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, यानी अगर मेरी मोबाइल की दुकान है तो मेरे आसपास सभी मोबाइल शॉप्स ही हैं, मेरी कपड़े की दुकान है आसपास सभी कपड़े की दुकान है, तो बेचने वाला खरीदने वाला सेम चीज में डील कर रहा है और इसीलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट इसे माना जाता है। दोस्तों याद रखिए, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई रुकावटें, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहां पर कोई टेंशन नहीं आता है। याद रखिएगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही नहीं है तो टैक्स वैक्स की मगजमारी ही नहीं। यस, मोरओवर बोथ बायर्स एंड सेलर्स पोजेसेस परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट एंड कंडीशंस ऑफ द मार्केट। यानी आखिरी बात तो बड़ी सिंपल है कि मार्केट का जो कंडीशन है उसका नॉलेज बायर को भी है और सेलर को भी है, यही खास बात है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सब कुछ परफेक्ट है। कैसा है? सब कुछ परफेक्ट है। आप सोच रहे होंगे सर इतना इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है, तो हम पढ़ क्यों रहे, हमारे टेक्स्ट बुक में साला दिया क्यों है? तो बात बड़ी सिंपल सी, आपको याद रखना है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है, उनका माइंड ही ऐसा था, वो सोचते थे कि यार ऐसा फॉर्म में सबकी खुशी है, ऐसे फॉर्म ऑफ मार्केट में सारे जो हैं वो अपना भला कर पाएंगे, बायर्स भी और सेलर्स भी, एंड दैट इज व्हाई दे वांटेड सच अ मार्केट टू प्रिवेल। बट एक्चुअल टर्म्स में अगर देखें, फैक्चुअल टर्म्स में अगर देखें, तो ऐसा मार्केट प्रिवेल नहीं कर सकता, क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, उसमें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रिवेल करना मुश्किल है। टैक्सेस वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होता है, एक जगह पर सारी चीजें उपलब्ध तो नहीं हो सकती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू प्रिवेल। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एक शॉर्ट कोड और ट्रिक के साथ। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, चार मार्क के लिए आंसर पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। आंसर का नाम प्लांस फ्री हो, प्लांस फ्री हो, प्लांस फ्री हो। याद रखिए दोस्तों, 8 पॉइंट का आंसर आसानी से याद करने के लिए एकदम जड़ी बूटी आइडिया है, प्लांस फ्री हो। क्या? प्लांस फ्री हो। क्या? प्लांस फ्री हो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पी से परफेक्ट नॉलेज,
परफेक्ट मोबिलिटी, पी से परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों हर पॉइंट बारीकी से समझेंगे, पहले पॉइंटर्स दिमाग में फिट कर लेते हैं। प्लांट्स फ्री हो, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी। इसके अलावा याद रखिए एल से लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। जी हाँ, ए से एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और प्लांस के अंदर एस से सिंगल प्राइस। तो प्लांस कैसे हो, फ्री हो, प्लांस कैसे हो, फ्री हो, प्लांस कैसे हो, फ्री हो। फ्री बोले तो क्या, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, और आखिर में हो बोले तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, हो बोले तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, हो बोले तो होमोजीनियस प्रोडक्ट। यानी सभी दुकानदार सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सभी कस्टमर्स सेम प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट में आ रहे हैं। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आंसर का नाम है प्लांट्स फ्री हो, प्लांट्स फ्री हो। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है यहां पर, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। जी हाँ, प्लांट्स फ्री हो में जो पहला पॉइंट निकल करके आता है वो यही है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। यहां बायर हो या सेलर हो, दोनों को ही मार्केट का नॉलेज होता है। ये इग्नोरेंट नहीं है, इन्हें पता है कि कंडीशंस क्या हैं और कितने में खरीदना चाहिए और कितने में बेचना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ परफेक्ट है भाई, और इसीलिए नॉलेज भी परफेक्ट है। यस, द बायर्स एंड सेलर्स पोजेस परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस। एवरी सेलर एंड बायर हैज द नॉलेज अबाउट प्राइस, क्वालिटी, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो यानी कुल मिलाकर के दोनों को जानकारी होती है, दोनों को इंफॉर्मेशन होता है, और इसीलिए काम आसान हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट निकल करके आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ परफेक्ट है, कैसा है, सब कुछ परफेक्ट है, कैसा है, सब कुछ परफेक्ट है, और परफेक्ट होने की वजह से सब कुछ आसपास ही है, नजदीक है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। और अज्यूम इसलिए किया जाता है ताकि सारी चीजें जो हैं वो सेम प्राइस पर बेची जा सके। एंड दैट इज व्हाई यहां पर क्या कहा गया है कि मोबिलिटी यानी मूवमेंट जो असतो फैक्टर्स का एका जागेवर दूसरा जागेवर, तो एकदम सोपा है, इजी आहे, इट इज परफेक्ट इन नेचर। यू कैन मूव वन फैक्टर टू अनदर प्लेस वेरी इजीली, और इसी को कहते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखिए दोस्तों, देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल नॉट ओनली ज्योग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली। आखिरी लाइन का मतलब समझिएगा, जो मजदूर होता है, जो मजदूरी करता है, और कैपिटल जो पैसा हम लगाते हैं बिजनेस में, फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के, इसको आप ज्योग्राफिकली भी मूव कर पा रहे हो और ऑक्यूपेशनली भी। मतलब एक किसान अपने खेत में खेती कर रहा था, अब वहां से उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो उसने जमीन बेच दी किसी बिल्डर को, बिल्डर ने वहां मॉल बना दिया, अब किसान और किसान का बेटा वहां पर काम करते हैं मॉल के अंदर। तो यहां पर लेबर जो पहले खेती कर रहा था, अब वो मॉल में काम कर रहा है, तो उसने अपना ऑक्यूपेशन जो है वो चेंज कर दिया। साथ ही साथ जो जमीन थी, वो जमीन पहले खेती के लिए यूज होती थी, अब वो मॉल की बिल्डिंग बन चुकी। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली और ऑक्यूपेशनली जो है ये लेबर और कैपिटल यूज होता है, परफेक्टली मोबाइल होता है, आसानी से मूव कर पाता है। तो ये थे पहले दो पॉइंट्स दोस्तों। हमारे क्वेश्चन का नाम है बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन का नाम है बहुत ही सिंपल, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आंसर का नाम प्लांट्स फ्री हो, पी से अभी अभी हमने दो पॉइंट्स पढ़ लिए, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। ये जो अगला पॉइंट निकल करके आता है हमारे सामने वो है एल फॉर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स भी लार्ज, बायर्स भी लार्ज, सेलर्स भी लार्ज, बायर्स भी लार्ज। अरे सेलर्स भी लार्ज और बायर्स भी लार्ज, सबकी दुकान चलने वाली आज। याद रखिए दोस्तों, बायर्स हो या सेलर्स हो, सभी का धंधा अच्छा चलने वाला है। बायर्स को अपने मन पसंदीदा प्रोडक्ट अच्छे दाम में मिलने वाले हैं, और बेचने वाले का भी सबको कस्टमर्स बहुत मिलने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सब कुछ परफेक्ट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया सब कुछ परफेक्ट है, और इसीलिए दोस्तों यहां पर कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि अगर बायर्स भी लार्ज हैं, सेलर्स भी लार्ज हैं, तो कोई एक
अपनी डिमांड को या सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मार्केट की डिमांड को और मार्केट की सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मतलब कोई एक दुकानदार पटेल ही नहीं कर सकता कि नहीं 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 परवड़ता है तो जाओ तुम्हारे दूसरे दुकान से ले लो, और कोई एक ग्राहक भी होशियारी करके ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है बहुत सारी कस्टमर्स भी हैं और दुकानदार को भी पता है बहुत सारी दुकान भी हैं। इसीलिए वो एक व्यक्ति या एक सेलर या एक बायर जो है डिमांड को इन्फ्लुएंस या सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट इज गिवन हियर। Under perfect competition, there are large number of sellers and buyers. As mentioned earlier, each seller forms a negligible amount or part in the total market. मतलब एक दुकानदार सिर्फ एक ही दुकानदार है, ऐसे बहुत दुकानदार है ना, तो एक negligible है, छोटा सा हिस्सा है market का, and that is why none of them is in a position to influence the price and supply in the market. कोई भी price को या supply को influence नहीं कर सकता, क्योंकि दुकानदार बहुत सारे हैं, बेचने वाले बहुत सारे हैं। सिमिलरली बायर्स का भी ऐसा है, द नंबर ऑफ बायर्स इज ऑल्सो लार्ज, द शेयर ऑफ ईच बायर इज सो नेग्लिजिबल दैट नन ऑफ देम इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द डिमांड और प्राइस इन द मार्केट। सिंपल बात है कि एक बायर भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा और एक सेलर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स इस परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट का बड़ा फीचर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्लांस फ्री हो के अंदर अगर हम आगे बात करें तो अगला पॉइंट निकल करके आता है ए से, absence of transportation cost. ये बड़ा assumption है, आजकल हर चीज महंगी इसीलिए क्योंकि transportation में बहुत पैसा जाता है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है, तो सब्जियां जो यार हमारे वसई विरार में आती हैं नासिक वगैरह से, तो वो नासिक से आते आते ही महंगी हो जाती है। कई चीजें ऐसी हैं जो बंबई पहुंचते पहुंचते महंगी हो जाती हैं। आज यहाँ पर पेट्रोल जो भाव में मिल रहा है गोवा में बहुत सस्ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा लगता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो एब्सेंट है इस मार्केट में, इसीलिए सभी चीजें एक जैसी हैं, सिमिलर प्राइस पे मिल पाती हैं। तो ये एक अजम्पशन है बड़ा नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, वो सोचते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एब्सेंट है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज यूनिफॉर्म, सबका एक ही प्राइस है वस्तु का। व्हाई? बिकॉज वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट does not exist. This assumption will lead to uniformity in price. तो ये एक बड़ा assumption है, हालांकि आज के दौर में ऐसा possible नहीं है, चीजें इतनी close नहीं है कि transport का खर्चा आजकल ना लगे, लेकिन पहले के economist सब कुछ perfect है मानते थे, और इसीलिए यहाँ पर A से absence of transport cost. बात करें दोस्तों अगले point की, तो no government intervention, ये भी एक assumption ही है। इसको लेजिस फेयर पॉलिसी माना जाता है। लेजिस फेयर पॉलिसी मतलब नो गवर्नमेंट का टेंशन, गवर्नमेंट का कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पर टैक्सेशन पॉलिसी नहीं है, आपको अपने दम पर अपने भरोसे पर अपने हिसाब से बिजनेस करना होता है। लेकिन ये भी आजकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट से जुड़े हुए ही हैं। लेजिस फेयर पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इट मीन्स देर इज absence of government intervention in economic activities. So simple से दो point, absence of transport cost और no government intervention. बात कर रहे हैं हम features of perfect competition की, answer का नाम plans free हो। बढ़ते हैं आगे, plans free हो के अंदर S से दोस्तों आता है simple सा point, single price. और जैसा कि मैंने आपको बताया transport का तो cost ही नहीं है, जब transport का cost ही नहीं है तो price सब दुकानों में same ही है, single price है। अगर एक वस्तु 100 रुपए में यहां मिल रही है तो वहां भी 100 रुपए में ही मिल रही है, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यस, अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्यों? बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बहुत ही सिंपल है, इससे रिलेटेड एक आंसर भी अगले वीडियो में लाऊंगा, वो आंसर से आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसे होता है, क्योंकि डिमांड का और सप्लाई का इंटरक्शन होता है और उसी से प्राइस सिंगल प्राइस तय हो जाता है। बात करें दोस्तों आखिरी कुछ पॉइंट्स की, प्लांस फ्री हो, प्लांस फ्री हो, हमने प्लांस तो पढ़ लिया, क्या पढ़ा? पी से परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, एल से लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहां पर ए से एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एन से, एस से अभी अभी हमने पढ़ लिया सिंगल प्राइस, तो प्लांस। अब पढ़ते हैं फ्री हो, फ्री बोले तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। यस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, आपकी मर्जी है भाई, आपको लगता है आपको बिजनेस करना चाहिए, बस पैसा लगाना चाहिए, दुकान खोलनी चाहिए, तो आपको एंट्री है, स्वागत है आपका, आप आइए और बिजनेस खोलिए। अगर आपको लगता है धंधा तो नहीं चल रहा है बराबर से, कोई ग्राहक ही हमारे से खरीद नहीं रहा है सामान, धंधा तो चौपट हो रहा है, तो फ्री एग्जिट भी है, जाइए, चले जाइए दुकान बंद करके, टाटा बाय बाय सी यू, खत्म खलास फिनिश। यस, बहुत ही सिंपल है, देयर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री
and exit of the firms. Any firm can enter or quit the industry at its own will. If there is hope of profit, the firm will enter. Or agar nuksan ho raha hai, to if there is possibility of loss, the firm will leave the market. To kul mila karke, plans free ho mein, free entry or exit, perfect competition mein available hai. Padhte hain aakhri point, dosto. Aakhri point hai, ho, bole to homogeneous product, ho, bole to homogeneous product. Ji haan, homogeneous product ki jab baat aati hai, to yaad rakhiye, an important feature hai, yahan par sabhi ke dukaanon mein सेम प्रोडक्ट है. सभी के दुकान में कैसा है? होमोजेनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट है रिस्पेक्ट टू साइज, डिजाइन, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा. और इसीलिए जब सब लोग सेम ही चीज बेच रहे हैं तो सेम प्राइस पे बेचेंगे. और सिंपल सी बात है, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होने की वजह से सेम प्राइस पे वो लोग बेच भी पाते हैं. तो होमोजेनियस प्रोडक्ट ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का. ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर. ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, यानी सेम ही है. मेरे दुकान में आईफोन मिल रहा है, उसकी दुकान में भी आईफोन मिल रहा है, मतलब सेम चीजें हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी. तो यहां पर दोस्तों उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. हमने आज पढ़ लिया प्लान्स फ्री हो, दैट इज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. उम्मीद करता हूं आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे. ऐसे ही वीडियोज हम लगातार आपके लिए दोस्तों लेकर आते रहेंगे. चैनल पर प्यार बरकरार रखिए, अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को प्यार दीजिए और जरूर जरूर अपने दोस्तों तक इन वीडियोज को पहुंचाइए. मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोज के साथ. तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.